तो क्या आपने मैगी के पकौड़े खाए हैं कभी? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अस्पर। सो आज आ गई हूं मैं फिर से एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ और ये रेसिपी होने वाली है मैगी के पकौड़ों की। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि मैगी के पकौड़े नाम की कोई चीज भी होती है। वैसे दो मिनट में तो बनेंगे नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी तो जरूर है कि आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे और ये मेरा दावा है। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी होने वाली है, ट्राई करो। तो मैगी के पकौड़े बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली चाहिए मैगी और उसको ट्राई कीजिए ब्रेक करके ही डालें, क्योंकि बाद में जब आप इसके पकौड़े बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा थोड़ा। तो जैसे आप उबालते हैं नॉर्मली आपको वैसे ही उबालना है और इसका पाउडर जो है वो साइड में रख दीजिए, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। और इसको उबलने दीजिए। और अभी उबल चुका है तो हम इसको ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लेंगे। उससे क्या होगा कि इसका जो चिपचिपापन है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही ये जो मैगी है वो ठंडी हो जाएगी, तो इसका जो बैटर बनाएंगे हम उसमें आसानी रहेगी, हमारे हाथ नहीं जलेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो जितने आपको पकौड़े बनाने हैं आप उसके हिसाब से बेसन डाल दीजिए इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू। तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना भी डालें। मुझे पर्सनली ये पकौड़े में आलू पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज कटा हुआ, और प्याज के पकौड़े की तो बात ही अलग होती है, और जब ये मैगी के पकौड़े के साथ मिल जाएगा तो और भी ज़्यादा टेस्ट को इन्हांस करेगा। अब हम डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ कटी हुई हरी मिर्च, और जितने आप खा सकते हो उतना आप डाल लें इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से आप डाल दें। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, तो क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च डाली है तो हम लाल मिर्च कम ही डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मैगी का मसाला, तो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मिक्सिंग थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें मैगी भी है, तो इसको मिक्स करते जाइए जस्ट, एंड ट्राई कीजिए पानी ना ऐड करना। ये बिना पानी के ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा क्योंकि मैगी में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो ये इसको बाइंड कर लेगा आराम से, तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देख सकते हैं आप बिना पानी के भी ये कितना अच्छे से मिक्स हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया। तो अभी मिक्स हो चुका है और मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ, 2 चुटकी सोडा। तो मिक्स होकर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और अब हम इसके पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और जैसे हम नॉर्मली पकौड़े बनाते हैं वैसे ही हम इन पकौड़ों को बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप फ्लेम को मीडियम पर ही रखें, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो जल सकते हैं आपके पकौड़े, और अगर कम रखेंगे आप तो ठीक से पकेंगे नहीं। और ज़्यादा रखने से क्या होता है ना कि आपको ऊपर से लगेगा ब्राउन हो चुका है, पूरे तरह से पक चुका है, बट जब आप अंदर देखेंगे तो वो बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो आप हाई फ्लेम पर कभी भी पकौड़े मत बनाया करिए, आप हमेशा उसको मीडियम हीट पर ही बनाया करिए। तो देख सकते हैं अब हम इसको पलट देंगे एक साइड से, जैसे ही बन जाएगा हम उसको पलट देंगे दूसरी साइड पर, ताकि दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिक जाए। और देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और ये बन चुके हैं तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, और इस प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है तो इससे क्या होगा जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा इस टिश्यू पेपर में। तो ऐसे करके हम सारे पकौड़े अपने प्लेट में निकाल लेंगे। और पकोड़े हो और चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैं बना रही हूँ ये मसाला चाय, और उसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। गाइस ये बहुत ही अच्छा सोंधापन लाता है चाय में, आप एक बार नमक वाले चाय ज़रूर ट्राई करना। और तैयार है हमारे मैगी के पकोड़े, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसको सर्व कीजिए आप मसाला चाय के साथ और चटनी के साथ, और गाइस ट्रस्ट मी ये आपका जो स्नैकिंग का टाइम है ना उसको अमेजिंग बना देगा। आप इसको एक बार ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, देखने में कितना टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये पकौड़े अच्छे लगे या नहीं, मुझे वो जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी।
तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं, बहुत टेस्टी भी लगते हैं, तो कैसे लगे आपको, मजा आया? तो इसी तरीके से आप ये घर पे बनाइए, सबको खिलाइए और मजे लीजिए इस मॉनसून सीजन का, क्योंकि मॉनसून सीजन आजकल ज्यादा दिन तक रुकता नहीं है, तो जब तक है तब तक उसके मजे लीजिए। तो पकौड़े बनाइए और सर्व कीजिए उसको मेरी मसाला चाय के साथ, जैसे मेरी नहीं है, आप सबकी हो चुकी हो, तो प्लीज ट्राई कीजिए दोनों को कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन होगा, प्लीज ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। आई थिंक आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ जो बेल आइकन देख रहे हो ना आप साइड में, उसको भी हिट कर देना, ताकि मैं अगली बार जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए इसकी, तो देर किस बात की है। और इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।